मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी, आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे और जो भी आपको आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य जरूर हो, सदन ये सब बातें कैसे जानते और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा। लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? तेन अध्यक्ष महोदय जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने। तो अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि इस बहस को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके हम रोचक भी बनाएं, और क्योंकि लोगों का आज इस ओर बहुत जिज्ञासा होगी और उस सकारात्मक दिशा को हम आगे बढ़ा सकेंगे तो अच्छा होगा, अभिनंदनीय होगा, समाज के लिए प्रेरणादायी हो पाएगा और सदन की कार्रवाई को फिर इसी प्रकार के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े मुद्दों को हम आगे बढ़ा पाएंगे तो यह प्रदेश के हित में भी होगा, विधायिका के भी हित में होगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा से मिलेगी।